भाई राम राम सारे भाई को। भाई जो दीपू भाई हमारे दीपू भाई प्रीतमपुरा जो इनके कबूतर चोरी हो गए, आज इस सारी बातों का खुलासा हो रहा है कि किस किस उस्तादों का, किस किस खलीफा और किस भाइयों का नाम था। ठीक है जी, तो थोड़ा हमारा इकबाल भाई है, ये हमारा खुलासा करेंगे और बीच में मैं भी बताऊंगा। फिर ग्रुप में सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम, और सभी शौकीन बात कबूतरबाजों को राम राम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि सबको पता है कि कबूतर हमारे चोरी हुए थे दीपू भाई के, ये हमारे दीपू भाई प्रीतमपुरा से, सबको पता था तीन के कबूतर चोरी हुए हैं। कुछ कबूतर पहले मिल गए थे 118, और कल 55 कबूतर मिले हैं, जो कि कल भी 55 कबूतर कम मिले हैं। उन्हें हमने वार्निंग दी थी कि हमारे पूरे कबूतर दे दो, और अगर पूरे कबूतर देते हो तो हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, चलो जी हमारे शौक की चीज़ वापसी आ जाएगी। लेकिन कल भी उन्होंने हमें घुमा दिया, 59 भेज रहे हैं, 58 भेज रहे हैं, और गिनती में यहाँ आके कबूतर निकले 55। गाड़ी में घुमाते रहे कि इतने उतने इतने कबूतरों की हालत भी उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दी, आप सबने देख ली हालत। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर, जिसके लिए आप सारे बरकरार हो, बेकरार हो सुनने के लिए, कि कौन कौन उस्ताद और कौन कौन नाम थे, किन किन चोरों के नाम थे। सबसे पहले तो जो यहाँ से कबूतर चोरी करके ले गए, नंबर 1 आसिफ, नंबर 2 अंकित, नंबर 3 गुड्डू, ये तो हैं तीनों चोर। नंबर 4 बाबू, जो मैन इनका करता धरता बाबू कटर, जो बाबू कटर है उसी ने ही सारी प्लानिंग करी, सारी प्लानिंग करके और यहाँ से कबूतर चोरी होके सीधे गए अंकित के घर। ये सारे बंदे सादरा के हैं ये, और ये सारे जो बंदे हैं भाई सादरा के बंदे हैं, कस्तूरबा नगर सादरा। और वहाँ से फिर क्या होता है, सुबह मूला उस्ताद, जो कि कहते हैं मूला उस्ताद जी अपने आप को उस्ताद हैं, और मूला उस्ताद जी कबूतर लेके जाते हैं 192 कबूतर अंकित के घर से। जो मूला बता रहे हैं, जो मूला उस्ताद ने बताई कि 192 अंकित ने ही बताई है, और एक भाई हो रहे हैं हमारे छात्रा से विक्की भाई, उन्होंने ही बताई है 192 कबूतर मूला उस्ताद लेके गए अपनी गाड़ी में, बैलों ने गाड़ी, उनकी गाड़ी का नंबर 7178 DL2CBA7178 गाड़ी नंबर बैलिनो, जो कि मूला उस्ताद की गाड़ी है। हमारे को फोटेज भी है गाड़ी में जो कबूतर रखे गए हैं, ठीक है, कैसे आगे गई कैसे पीछे गई सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। प्लस हुआ क्या, वहाँ से कबूतर ले गए मूला उस्ताद गुड्डू के घर पे 55,000 रुपये दे के, 55 बैलेंस बाद में दूंगा, 450 के उन्होंने खरीदे लालमन घाघरे पाघरे मोकने, 500 ऊपर के लेके गए नीले चोटीदार, सबको तोड़ पट्टा करके ले गए सारे कबूतर। जैसे कि जो वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है चोरी के हैं, गुड्डू ने बच्चा हमारा चुरा लिए, लेकिन चुराने में हाथ इन चोरों का था, लेकिन लेने वाले जो चोर हैं मैन वो हैं मूला उस्ताद रहिंदर उस्ताद, और इनकी जो सपोर्टर थे जो वीडियो बना के फेक वीडियो बनाई थी सलीम साहब ने, मैं उन्हें उस्ताद नहीं कहूँगा क्योंकि वो उस्ताद नहीं है हमारी नज़रों में, कि ऐसे आदमी हैं वो जिन्होंने आगरा से ही, आगरा वालों को उन्होंने निकाल दिया गया है, आगरा का पूरा सीरा आ चुका है, आगरा के जो जितने भी उस्ताद हैं बड़े उस्ताद जो नामी ग्रामीण उस्ताद हैं उन्होंने उनकी पगड़ी को भाई साहब पूरा रद्द कर दिया है, और उनका सारा सीजरा भी मेरे पास है। दूसरा अब ये बात आ जाती है कि कबूतर चोरी हुए, कबूतर का हमें पता चलता है कि शादरा के अंदर है, हम कबूतर लेने गए वहाँ से बड़े छोटे बैठे 118 कबूतर बरामद कर गए, जिसमें हमें दिखाया 150 से 160 कबूतर। दिखाने के बाद बिल्लू भाई ने उन कबूतरों की कमरे में वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद हम नीचे कट्टे लेने आए, उसके बाद भी 30-40 कबूतर उसमें से रफे दफे हो गए उस्ताद के चेले ने करे गुड्डू ने। अब चलो जी कबूतर भी लिए, कबूतर लाने के बाद यहाँ थाने में 2:30 बजे रहिंदर उस्ताद मूला उस्ताद और मोंटू, जो कि मोंटू कबूतर जब चोरी के लेने गए थे, ये तुम्हारा मूला उस्ताद तो मोंटू भी साथ गया था कबूतर लेने। अब मोंटू का रोल भी, मोंटू की फोटो और रहिंदर उस्ताद की फोटो आप सबने देख ली ग्रुप में, ठीक है जी। और दूसरा अब रहिंदर उस्ताद आ गए दीपू भाई के पास, जी ये हमारा थाने से निकलते जी ऐसा है अपने बच्चे हैं फलाना है ढमका है और इन बच्चों को छुटवा दो, तुम्हारे कबूतर सुबह 11 बजे सारे जितने कबूतर हैं दीपू भाई वो कबूतर आपके पहुंचा दिया जाए। दीपू भाई ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, चोर के साथ आप आए हो तो आप भी चोर हो, कहना नहीं जी मेरी गारंटी है, रहिंदर उस्ताद बोले कि मैं सुबह 11 बजे तक आपको सारे एक एक कबूतर ला के दूंगा। जब उन्होंने गारंटी ले ली सारे काम कर लिए, हमने फिर भी दीपू भाई को भी समझाया कोई बात नहीं जी, शौक की चीज़ें इनके नाम छोड़ो कबूतरों से बदला बना। इन्होंने 3-4 दिन सबको बताया कबूतर चोरी होने के बाद ही 3-4 दिन घुमाते रहे अभी दे रहे हैं जब भी दे रहे हैं, इन्होंने नहीं दिए, मजबूरन
कल का हमने लास्ट टाइम दिया था, कल भी जब कबूतर पूरे नहीं आए तो हमें उस्तादों का नाम खोलना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं चाहते दिल्ली के उस्तादों का नाम गंदा हो, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। जैसे सारे इन्होंने काले कतले छुपा लिए, उसमें से मौकने थी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सुंदर खैरियाँ थी, वो कबूतर सारे गायब। अब ये थोड़ा सा खुला था, हमारे दीपू भाई करेंगे। सारे बड़े छोटे भाई हो, राम राम जी। ये जो इकबाल भाई ने बोला सारी बात ओके रिपोर्ट है, सही है। और ये भैया बातें घुमाते गए, झूठ बोली मूला उस्ताद ने, इतनी बातें झूठ बोली, अपने बच्चों की कस्में खाई कि भाई मुझे नहीं पता। और जब उनके साथ वहाँ पे हरकत हो गई उनके इलाके में, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ की और ये भैया नकली काम है। जो चोरों का साथ देगा वो उससे बड़ा चोर है। ये चोरी करने वाला चोर थोड़ी ना है, चोरी करवाने वाले चोर है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है ना, हमारे तो कबूतर मिल गए, कल को किसी और भाई के हो, चोर नहीं है वो जो चोरी करने आया है, चोर बनाया गया उसे, उससे चोरी करवाए गए हैं। जो खरीदने वाला खरीदेगा नहीं तो चोरी कैसे होगी, ये बात ध्यान रखो। कोई इनसे भाई लिंक ना रखो। और अब जो है ये सारी जितनी भी बातें हैं सारी हमने जो हमारे दिल्ली के सदर, हमारे जो है अपने दानिश भाई और उस्ताद अकबर जो दिल्ली के सदर हैं कबूतरबाजी में, उन सबके पास ये मैसेज पहुँचा दिया है। आप जो भी करेंगे, जो भी फैसला करेंगे आगे, वो हमारे सदर साहब दानिश भाई और उस्ताद अकबर करेंगे। और भाई जो ये सलीम उस्ताद अपने को आपको कह रहा है, हमारे पास उस्ताद जो अपने आपको कह रहा है, और जो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला कि तुमने दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए थी, तो सलीम ने ये बोला वो सही है हम गलत है, मतलब हमारे कबूतर चोरी हुए तो हम गलत हो गए। ठीक है, इसमें चोर का साथ सलीम भी दे रहा है तो सलीम भी चोर हुआ, क्योंकि उन पक्षों में वो उनका साथ है छुपाने की। सलीम जो है उन्होंने जो MHD सलीम जिसको बोलते हैं, जो YouTube पे वीडियो सेक्स की वीडियो पता नहीं किस किस की वीडियो बना के डालता है भाई, वो भी चोर है क्योंकि वो उन चोरों का साथ दे रहा है। ये हमारे पास ये सारा प्रूफ, मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा, ये हमारा सारा प्रूफ है भाई। उस्तादों उनके ग्रुपों उस्तादों में से निकाला गया, आगरा के उस्तादों में सारा ग्रुपों में मैं वीडियो फोटो सब डाल दूंगा भाई। ठीक है, हमारे पास सारी वीडियो सारी फुटेज है हर एक बंदे की, कि कौन कबूतर वहां से लाया है, कौन कबूतर कहां से लेके गया है। ठीक है जी, तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट तो यही है, इन चोरों का साथ ना दे। जो भी है, जो चोर का साथ देता है वो चोरी कहलाता है। राजेंद्र उस्ताद हो, चाहे मूला उस्ताद हो, चाहे गुड्डू उस्ताद हो, चाहे अंकित हो, आसिफ हो, कोई भी हो भाई, मैं भी हूँ ना, तो मैं भी चोरों के साथ कहलाऊंगा भाई। और भाई ये इनकी इलायची विलायची सब बंद होनी चाहिए, मेरी सोच तो ये है भाई, जो ये उस्ताद चोरों का साथ दे रहे हैं तो इनकी इलायची विलायची सब बंद।